How to fix Realme and Oppo fingerprint sensor not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे फिंगरप्रिंट सेंसर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर काम करना बंद कर देते हैं और डिटेक्ट नहीं कर पाते आपके फिंगरप्रिंट को, तो कैसे करके आपको वो सॉल्व करना है, इस वीडियो पर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको करना क्या है, एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों, आपका जो सेंसर है उसको थोड़ा सा साफ कीजिए कपड़े लेकर, और सारे साथ आपका जो उंगली है उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए। अगर उसमें कुछ भी कचरा वगैरह या फिर कुछ भी डस्ट लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ लिक्विड चीज़ें, ठीक है, पसीना वगैरह, तो उनको आप जो है पोंछ दीजिए। उसके बाद दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते तो बस जाइए सेटिंग पर। उसके बाद फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड को ओपन करें, फिंगरप्रिंट को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। फिंगरप्रिंट रिमूव करके दोस्तों, आप दूसरा फिंगरप्रिंट ट्राई करके आप सेट कीजिए, ठीक है। दूसरा फिंगर आपको सेट करना है और उसके बाद दोस्तों एक बार दोबारा से ट्राई करके देखना है, ठीक है। अगर इस बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, तो रीएड आपको करना है फिंगरप्रिंट, पुराना वाला डेटा को पूरा डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर होता है तो ठीक है, नहीं होते प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ जाना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर का प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सॉल्यूशन इतने में ख़त्म नहीं होते। अगर मान लीजिए आपने ये सॉल्यूशन करके देखा फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने साफ़ करके देख लिया, रिस्टार्ट करके देख लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट करके देख लिया, रिएक्ट करके देख लिया, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप जाइए दोस्तों कोई भी टेक्नीशियन के पास, ठीक है। टेक्नीशियन के पास जाके आपको यह प्रॉब्लम जो है हार्डवेयरली फिक्स्ड करना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारा जो सेंसर है उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो आपको जाके वो फिक्स्ड करना है, उसके बाद आपका सेंसर का इशू फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है प्रॉब्लम को फिक्स्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।